वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। फ्रेंड्स, जेके एसएसबी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने जूनियर असिस्टेंट या फिर क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई किया है, फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टाइप टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट। ठीक है, यानी कि जो क्लर्क की या फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उनके बारे में है ये, और कौन सी डिवीजन के लिए है, ये है डिविजनल काडर्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो कौन कौन सी नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन नंबर 04, 05, 06 and 07 ऑफ 2020 एंड 1, 2 and 3 ऑफ 2021। तो इन नोटिफिकेशंस में अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देखिए कब से जो आपका स्किल टेस्ट शुरू हो रहा है, ये हो रहा है आपका 20 अक्टूबर 2021 से। ठीक है, तो टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है 9:30 AM। तो लैब जो है यहाँ पे प्री फैब लैब को जो है नाम दिया हुआ है। तो ये जो कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे जो जिन बी कैंडिडेट्स के नाम ए अल्फाबेट से शुरू होते हैं और लास्ट कहाँ तक जाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसके बारे में जो है क्लियरली बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम चलते हैं लास्ट में अभी। ठीक है, लास्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे पहुँच गए हैं अभी हम, लास्ट तक जाएंगे, उसके बारे में देखेंगे कहाँ तक जो है ये कैंडिडेट्स के नाम जो है वो कहाँ तक आते हैं। हाँ, यहाँ पे आ गए हम। ये देखिए यहाँ पे, तो जो लास्ट कैंडिडेट है अभी एफ से शुरू हो गए हैं, एफ के बाद में अभी जी आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए अल्फाबेट से लेके जिन कैंडिडेट्स के नाम जी अल्फाबेट में आते हैं, तो फ्रेंड्स उनका जो स्किल टेस्ट है वो होगा कहाँ पे, यहाँ पे अभी स्मार्ट लैब आ गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जो लैब्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप जो है एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, आपका जो नाम है वो कौन सी लैब में आता है ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से इसका नाम जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट नाम है वो किस बच्चे का है उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो देखो जी से शुरू हो गए हैं नाम यहाँ पे, अभी एफ से। हाँ, जी से आ गए हैं अब। यहाँ पे जो शेड्यूल है वो है 20 अक्टूबर 2021 से लेके 12 नवंबर 2021 तक। ठीक है, तो देखो यहाँ तक जिन बच्चों के नाम हैं, तो ए अल्फाबेट से लेके जी अल्फाबेट तक जिन भी बच्चों के नाम हैं वो यहाँ पे जो है, ये देखो यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट जो नाम है वो है गुलशन कुमार। ठीक है, गुलशन कुमार है, तो इनकी है स्मार्ट लैब, स्मार्ट लैब है ये। अभी ये कहाँ पे कश्मीर बेस्ड सेंटर कैंडिडेट्स हैं ये फॉर द पोस्ट ऑफ, तो ये भी कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट नाम है वो है गुलशन कबीर, गुलशन कुमार नहीं है, गुलशन कबीर है ये। फादर्स नेम है ए बी कबीर अनीम। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लेना, अपना नाम आप चेक कर लेना, और आपका जो स्किल टेस्ट है कौन सी डेट को है। लास्ट मैंने बताया जो शेड्यूल आया है वो आया है यहाँ पे 20 अक्टूबर 2021 से लेके 12 नवंबर 2021 तक जिन बच्चों का स्किल टेस्ट है उसके बारे में यहाँ पे उनके नाम दे दिए गए हैं, आप अपना नाम चेक कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा जो है एक चीज़ और आपको बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने अप्लाई किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एज़ पर द जेके एस एस बी उन्होंने जो है एक प्रेस रिलीज़ किया है, उसके अनुसार आपका ये जो टाइपिंग टेस्ट चलेगा इसमें अप्रोक्स 3 महीने का टाइम भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो कि
20 अक्टूबर से शुरू किया है और 12 नवंबर तक जो है यहाँ पे सिर्फ जी अल्फाबेट तक ही जो है कॉम्प्लीशन हो पाया है। तो उसके बाद में आप लगा लो जी के बाद में एच आई जे के एल एम एन एफ, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है अभी रहते हैं। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा, स्किल टेस्ट होने में टाइम लगेगा, उसके बाद में जो है आपका फिर होगा आपका रिटन टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट है सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, आप जो है मेहनत कीजिए, आपके पास टाइम है, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।